चॉकलेट डोनट तो आप सबने खाई होगी, लेकिन आज जो मैं डोनट बना रही हूँ वो बहुत ही स्पेशल है। आई होप आप सबने पहले कभी नहीं ट्राई किया होगा। ये स्पेशल डोनट की रेसिपी वीडियो के एंड तक जरूर देखें, और मुझे लगता है वीडियो के ख़त्म होते ही आप फटाफट अपने किचन में भागेंगे और इस रेसिपी को ज़रूर बनाएंगे। डोनट की रेसिपी तो पहले भी मैं आप सबके साथ शेयर की हूँ, लेकिन ये चॉकलेट डोनट और स्पेशल डोनट के स्वाद में डिफरेंट तो है ही। चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए इस स्पेशल डोनट को बनाना स्टार्ट करती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ श्वेता। श्वेताज किचन में आप सभी का स्वागत है। डोनट बनाने के लिए ईस्ट का यूज कर रही हूँ। ईस्ट से डोनट अच्छी फुली फुली और इसके अंदर का टेक्सचर काफ़ी जालीदार बनता है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं ईस्ट को कैसे यूज़ करना है डोनट बनाने के लिए। तो यहाँ मैं एक छोटा चम्मच ईस्ट ली हूँ, इसे सबसे पहले एक्टिवेट कर लूँगी। ईस्ट के साथ ही यहाँ मैं एक छोटा चम्मच चीनी भी डाल रही हूँ। ईस्ट को एक्टिवेट करना ज़रूरी है, तभी डोनट अच्छी तरह से फूलता है। अब इसमें ऐड करूंगी गर्म पानी और मिक्स करने के बाद इसे 10 से 12 मिनट के लिए छोड़ दूंगी ताकि ईस्ट अच्छी तरह से फूल जाए। 10 मिनट हो चुका है। चलिए अब डोनट के लिए आटा गूंदकर रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ मैं 2 कप मैदा ली हूँ। अब मैदे में जाएगा 1/2 टीस्पून ही नमक, साथ ही इसमें ऐड करी हूँ 1 टेबल स्पून चीनी और 2 टेबल स्पून ही मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। अब इसमें ऐड कर रही हूँ 1/4 कप बटर। बटर की जगह आप घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये बटर मेरा घर का ही बना हुआ है। इसका वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अब इसमें डाल रही हूँ ईस्ट। ईस्ट देखिए कितने अच्छे तरह से एक्टिवेट हो चुका है। अब इसमें डाल रही हूँ एक स्पेशल इंग्रेडिएंट। मैं इस डोनट को स्पेशल क्यों बोली हूँ अब आपको पता चल जाएगा। तो इसमें मैं डाल रही हूँ मैंगो पल्प। यहाँ मैं 4 चम्मच मैंगो पल्प डालूंगी, और ये मैंगो पल्प मैं इजली बनाई हूँ। इसे छीलकर आम को और इसे मिक्सी ग्राइंडर में पीस ली हूँ बिना पानी डाले, और इसका पेस्ट रेडी हो गया है, इसे ही डाल दूंगी। ये मैं मैंगो फ्लेवर का बना रही हूँ डोनट इसलिए। अब सारे चीजों को अच्छी तरह से मैदे में मिक्स कर देना है। सारी चीजें जब मैदे में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो इसमें 2 चम्मच गर्म दूध डालूंगी और इसे गूंद कर तैयार कर लूंगी। इसका जो आटा लगेगा वो सॉफ्ट ही लगेगा। यदि आपका आटा हार्ड लग रहा है तो इसमें 1 चम्मच दूध और ऐड कर सकते हैं और इसे अच्छी तरह से मसल कर साने। मैंगो पल्प के कारण आटा का कलर येलो लग रहा है। मैं यहाँ पे किसी भी कलर का इस्तेमाल नहीं की हूँ, ना ही एसेंस का इस्तेमाल की हूँ। मैं ओरिजिनल मैंगो का ही इस्तेमाल की हूँ। ये समर स्पेशल डोनट है, क्योंकि आम तो समर में ही मिलता है। तो इस डोनट को ज़रूर बनाएं अभी के टाइम पे, ये बहुत ही टेस्टी बनने वाला है। देखिए आटा गूंद कर मैं रेडी कर चुकी हूँ, और इसे रेडी करने में मुझे 2 चम्मच ही मिल्क लगा है। अब इस डो को एक ही लोई का आकार देना है, मतलब सारे आटे से एक ही लोई तैयार करना है। देखिए एक बड़ा सा लोई हमारा बनकर रेडी है। आटा देखिए कितना सॉफ्ट है, ये हाथों से ही ये फैल जा रहा है, लेकिन ये प्रॉपर एक ही थिकनेस चारों तरफ हो उसके लिए यहाँ मैं बेलन का इस्तेमाल कर रही हूँ। आटा इतना सॉफ्ट है कि आपको ज़्यादा ताकत लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। देखिए बेलन टच करते ही ये कितने अच्छी तरह से फैल जा रहा है। बेलन को हर तरफ से टच करें ताकि एक ही थिकनेस हर तरफ आए। देखिए मैं सभी तरफ से बेलन को टच कर रही हूँ, और ये कितने आसानी तरह से फैल रहा है। इसे आप किसी भी शेप का बेल सकते हैं, क्योंकि लास्ट में इसे डोनट के शेप में ही काटना है। इसे मैं बेल चुकी हूँ और इसका थिकनेस 1 सेंटीमीटर के करीब है। अब इसे डोनट के शेप में काट लूंगी। यदि आपके पास डोनट कटर हो तो उससे काटें, या फिर मेरी तरह ग्लास से काटें। एक्चुअली क्या है, मैं डोनट कटर नहीं ले रही हूँ, क्योंकि ये तो रेगुलर खाना होता नहीं है, इसलिए मैं ग्लास से ही काट लेती हूँ। यदि आपके पास है तो उससे काटें, ग्लास से भी इजली कट जाता है ये। देखिए मैं कितने आसानी तरीके से काट ले रही हूँ। यदि ग्लास में ये डो चिपक रहा है तो आप इसमें सूखे आटे लगा के फिर काटें। राउंड शेप में तो कट चुका है, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि ये अभी डोनट के शेप में तो आया नहीं है। तो उसके लिए यहाँ मैं
एक छोटा सा बॉटल का ढक्कन ये इस्तेमाल कर रही हूँ और इसके मिडिल में रख कर इसे काट लूँगी। देखिए ये कितने आसानी से कट जा रहा है। किसी भी बॉटल के ढक्कन का इस्तेमाल कर सकते हैं बीच के पार्ट को निकालने के लिए। लीजिए मिडिल का पार्ट भी कट चुका है। अब इसे एक डोनट में निकाल कर दिखा रही हूँ। देखिए ये कुछ इस तरह का दिखेगा, बिल्कुल डोनट के जैसा लग रहा है ना। सारे डोनट को इसी तरह प्लेट में काट कर निकाल लें और हर डोनट के बीच में इस तरह का गैप रखें ताकि ये फूलने के बाद चिपक ना जाए। बचे हुए आटे को फिर से बेल कर इसे डोनट के शेप में काट लेंगे। सारे डो से डोनट कट चुके हैं। अब ये डोनट ड्राई ना हो जाए इसके लिए यहाँ मैं ऑयल लगा रही हूँ। ऑयल की जगह आप घी बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सारे डोनट के ऊपर लगा दे अच्छी तरह से ऑयल। सारे डोनट में जब ऑयल अच्छे से लग जाए तो इसे 2 घंटे के लिए रख देंगे ताकि ये अच्छी तरह से फूल जाए। अब मिलते हैं 2 घंटे के बाद। 2 घंटे के बाद मैंने इसे चेक किया, ये बहुत अच्छी तरह से फूल गया है, बिल्कुल डबल हो गया है अपने साइज से। और देखिए इसका बीच का कैप भी बहुत कम हो गया है। देखिए मैं थिकनेस दिखा रही हूँ, बिल्कुल डबल लग रहा है ना। अब ये डोनट फ्राई होने के लिए बिल्कुल रेडी है। डोनट को डीप फ्राई करना है तो उसके लिए यहाँ मैं कुकिंग ऑयल ले ली हूँ एक कढ़ाई में और इसे मीडियम फ्लेम में गर्म कर चुकी हूँ। गर्म होने के बाद अब एक एक करके डोनट इसमें डालना स्टार्ट कर दूंगी। जब डोनट डालूंगी तो गैस का फ्लेम लो कर दूंगी। कढ़ाई में जितना भी डोनट के पीसेस आए उतना डालकर इसे फ्राई करें। मेरी कढ़ाई छोटी है इसलिए इसमें 4 ही आ रहे हैं, तो 4 करके ही मैं फ्राई कर रही हूँ। डोनट को लो से मीडियम फ्लेम के बीच में ही फ्राई करें, तभी ये अच्छे से पक पाएगा। अंदर से भी अच्छे से पकना चाहिए, अगर हाई में करेंगे तो ये अंदर से कच्चा रह जाएगा और ऊपर से जल जाएगा। तो इसे बिल्कुल पेशेंस के साथ ही इसे फ्राई करें। थोड़ा टाइम तो लगता ही है इसे फ्राई करने में। जब एक तरफ नीचे की तरफ कलर थोड़ा चेंज हो जाए तो इसे पलट देंगे और दूसरे साइड भी कलर आने तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे। डोनट का कलर देख रहे हैं कितना अच्छा आया है। ये हमारा डोनट बिल्कुल फ्राई होके रेडी है, ये कलर परफेक्ट आ गया। अब इसे तेल से बाहर निकाल लेते हैं। लीजिए पहला बैच तो हमारा रेडी है डोनट का। अब दूसरा बैच भी इसी तरह से फ्राई कर लेते हैं। सेम प्रोसेस से दूसरे बैच को भी फ्राई कर ले रहे हैं। लो से मीडियम फ्लेम के बीच में ही इसे भी फ्राई करना है ताकि ये अच्छे से फ्राई हो सके, अंदर से भी अच्छा से फ्राई हो जाए। देखिए इसका भी कलर चेंज हो गया है, इसे भी तेल से बाहर निकाल लेते हैं। सारे डोनट को फ्राई करके किचन टॉवल पे निकालें क्योंकि इसमें जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो किचन टॉवल एब्जॉर्ब कर लेगा। उप्स, एक डोनट तो हमारा बाहर गिर गया, कोई बात नहीं इसे उठा कर पेपर पे रख देती हूँ। डोनट तो रेडी है लेकिन इसे अभी डेकोरेट करना बाकी है। इसे मैंगो फ्लेवर का बना रही हूँ इसलिए इसे मैंगो से ही डेकोरेट करूँगी। एक आम को छील कर इसे रफली चॉप कर ली हूँ। अब इसे पीस कर इसका पेस्ट तैयार करना है तो एक मिक्सी ग्राइंडर का इस्तेमाल कर रही हूँ इसे पीसने के लिए। इसे पीस कर इसका पेस्ट तैयार कर लेती हूँ। मैंगो प्यूरी तो हमारा रेडी है, अब इसे थोड़ा सा पका लेते हैं। तो उसके लिए यहाँ एक पैन में सारे मैंगो प्यूरी को इसमें डाल दूंगी। मैंगो को इस तरह से पका के रखने पे होगा कि आप डोनट को कुछ दिनों तक स्टोर करके रख सकते हैं, वो जल्दी से ख़राब नहीं होगा। यदि कच्चे आम के पल्प को डोनट के ऊपर लगाएंगे तो वो जल्दी से ख़राब हो जाएगा, आपको तुरंत खाकर ख़त्म करना होगा। इसलिए मैं इसे पकाकर डोनट के ऊपर लगाऊंगी ताकि कुछ दिनों तक स्टोर कर सकूँ। अब साथ ही यहाँ मैं इसमें 2 चम्मच के करीब चीनी ऐड की हूँ। यदि आम ज़्यादा मीठा है तो 1 चम्मच डालें, कम मीठा है तो 2 चम्मच या 3 चम्मच भी डाल सकते हैं, जितनी आपको मिठास पसंद हो। अब चीनी को अच्छे से मेल्ट कर लेंगे और गैस का फ्लेम लो रखेंगे ताकि ये प्यूरी जले ना। लो फ्लेम में इसे कुछ देर तक पका लूँगी। मैंगो प्यूरी को लगातार चलाते हुए पकाएंगे वरना ये बॉटम में चिपक सकता है और इसमें से गंदी सी स्मेल आएगी जो आपके डोनट को पूरी तरह से ख़राब कर देगी, इसलिए लगातार इसे चलाते हुए ही पकाएं। ये आम का पल्प धीरे धीरे गाढ़ा होते जा रहा है, देखिए इसकी कंसिस्टेंसी ठीक होते जा रही है। बस मुझे इस तरह का ही चाहिए। इसे मुझे रेडी करने में 5 से 7 मिनट का टाइम लगा है। बस ये हमारा रेडी हो चुका है, अब गैस का फ्लेम बंद कर देंगे।
ये मैंगो पल्प ठंडा हो जाने के बाद एक एक करके डोनट को इसके ऊपर डिप कर दूंगी कुछ इस तरह से। देखिए मैं किस तरह से कर रही हूँ और ये देखने में कितना अच्छा लग रहा है। इसी तरह से सारे डोनट को डिप करके एक प्लेट में रखते जाऊंगी। देखिए मैं डोनट को मैंगो पल्प में किस तरह से डीप कर ली हूँ, ये देखने में कितना अच्छा लग रहा है। इसे और अच्छा बनाने के लिए यहाँ मैं स्प्रिंकल कर रही हूँ, ये कलरफुल बॉल्स आते हैं ना मार्केट में, बस उसी से इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दे रही हूँ इसके लुक को और अच्छा दिखाने के लिए। ये बच्चों को बहुत ही पसंद आएगा, इस तरह से ज़रूर बनाएँ और बच्चों को खिलाएँ। मार्केट में तो ऐसी वाली स्प्रिंकल बहुत तरह की आती है, मेरे पास ये वाली थी तो मैंने इससे कर दी। मैंगो फ्लेवर का डोनट देखने में अच्छा लग रहा है ना, मैं इसे पास से दिखा रही हूँ, देखिए। चलिए एक तोड़कर भी दिखाती हूँ, इसका अंदर का टेक्सचर देखिए, सॉफ्ट फ्लफी टेक्सचर है इसका। मैंगो फ्लेवर वाली डोनट की रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मेरे चैनल में यदि नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करें। बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू। पहले भी मैं आप सभी के साथ डोनट की रेसिपी शेयर की हूँ, वो थी चॉकलेट वाली डोनट की रेसिपी, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी।